हेलो एक्यूरियस, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपका जुलाई महीना कैसा गुजरने वाला है। जुलाई 2024 में आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आपको नोटिस करने को मिल जाएंगे, क्या क्या ब्लेसिंग्स गाइडेंस आपके लिए वेट कर रहे हैं, एंड साथ ही में आपके करियर के साइड से, आपके लव लाइफ के साइड से, हेल्थ रिलेटेड एंड साथ में आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मैसेजेस भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो आपको पॉजिटिव रहना है, किसी भी तरीके से कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने मन में एकदम से नहीं लाना है, फाइन। सो अगर आपकी राशि एक्यूरियस है यानी कि कुंभ राशि है तो ये रीडिंग आपके लिए है, सिर्फ और सिर्फ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कार्ड यहाँ पर एट ऑफ वांड्स, ओके, ब्यूटीफुल एनर्जी है। नेक्स्ट यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड देन फाइव ऑफ वांड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, एंड यहाँ पर है द स्टार, फाइन। बॉटम ऑफ द डेक को चेक कर लेते हैं फर्स्ट, देन हम कार्ड को थोड़ा सा ना मतलब कि रीअरेंज करने वाले हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ वंड्स की एनर्जी है। ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड कहीं ना कहीं इस बात को शो करता है कि आप जुलाई महीने में बहुत हद तक अट्रैक्टिव, मैग्नेटिक, एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट एंड वार्म फील करने वाले हैं। कहीं ना कहीं एक लायन की तरह आप खुद को इतना ज़्यादा पावरफुल एंड ग्राउंडेड महसूस करने वाले हो कि आपके इस सेल्फ कॉन्फिडेंस के दौरान कहीं ना कहीं आप अपने मन के बहुत सारे विशेस अपने आप पूरा करते हुए देख पाओगे। जहाँ पर आपको ये लगता था कि नहीं, ये सब चीज़ें आपको एकदम से हासिल नहीं होने वाला है, या फिर ये काम आपके द्वारा तो नहीं होने वाला है, या फिर ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं हैं, तो जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड फील हो रहा था पिछले टाइम में या फिर अभी भी हो रहा है, एंड जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा था कि आप एकदम से इस चीज़ को पास आउट नहीं कर पाओगे, आप झेल नहीं पाओगे, तो देखो हर एक सिचुएशन से मुझे कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्स मिल रही है। आपके हर एक नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स में बदलने वाले हैं। आपके बहुत सारे रुके हुए काम इस टाइम पर बनते हुए दिखेंगे, एंड वो चीज़ ना कहीं आप ही करने वाले हो। आपके अंदर कुछ अलग ही वाइब्स काम करेगा इस टाइम पर, ओके। सो यहाँ पर देखो कौन कौन से एनर्जीज हैं, मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस है, इसके साथ हैं एक्यूरियस की एनर्जी बहुत हाई, साथ में यहाँ पर वगु की एनर्जी अलग से दिख रही है, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस की एनर्जी भी अलग से दिख रही है, साथ में अर्थ साइन की भी एनर्जी है, मतलब कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। सो यस, यही एनर्जीज दिख रहे हैं मुझे। वाटर साइन की एनर्जी यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब यही है कि जुलाई महीने में आप एकदम से ना इमोशनल नहीं होने वाले हो। कोई भी आपको इमोशनली ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा, कोई भी आपको इमोशनल फूल नहीं बना पाएगा, आप अननेसेसरी इमोशंस को लेकर बॉदर भी नहीं होने वाले हो। प्रैक्टिकली काम करते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को प्रैक्टिकली हैंडल करते हुए दिख रहे हो दिमाग से। देखो फर्स्ट तो यहाँ पर जुलाई महीने के स्टार्टिंग में मुझे दिख रही हैं एट ऑफ वांड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के दौरान कि जुलाई महीने के स्टार्टिंग से ही आप बहुत हद तक स्पीड पकड़ने वाले हो अपने लाइफ में। अगर आप बहुत टाइम से अपने शेड्यूल में चल नहीं पा रहे थे, पंक्चुअलिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, आप सुबह देर से उठ रहे थे, रात को जाग रहे थे, आपका कोई भी काम अच्छे से बन नहीं रहा था, सभी काम बहुत ज़्यादा आधा अधूरा रह रहा था, तो ऐसे में आपके हर एक चीज़ आपको सही होता हुआ दिखाई देगा। एंड इस टाइम पर आपको कुछ गुड न्यूज़ भी मिलने वाला है, मतलब कि जुलाई महीने के स्टार्टिंग में आपके पास कुछ गुड न्यूज़ मेल मैसेज आने की एक पॉसिबिलिटी दिख रही है। किसी की तरफ से कुछ इनविटेशन भी आपको मिल सकता है, गिफ्ट मिल सकता है, तो इस चीज़ का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। एंड साथ में ही अगर आप जॉब के लिए वेट कर रहे हो, जॉब की तरफ से कोई कॉल लेटर या फिर मेल के लिए वेट कर रहे हो, तो उस तरफ से भी यहाँ पर पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं कि आपको मिल सकता है, ओके। एंड करियर की साइड से डेफिनेटली मुझे अच्छा टाइम दिख रही है जुलाई महीने का स्टार्टिंग, क्योंकि इस टाइम पर आपके दिमाग में एक गोल रहेगा, एक टारगेट रहेगा, एंड जिस चीज़ को आपको फुलफ़िल करना ही पड़ेगा, एंड उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए आपको जो करना पड़े आप करोगे, ऐसा एक माइंड सेट यहाँ पर इन दोनों कार्ड से आपका बनता हुआ दिख रहा है। ये जो कार्ड है ये गोल सेट करने की बात करता है, जो गोल हो सकता है आप जुलाई महीने के स्टार्टिंग में सेट करो, ये करियर के साइड से हो सकता है, लव लाइफ के साइड से हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आपने ऑलरेडी सेट किया हुआ है, उस चीज़ के ऊपर आप वर्क नहीं कर पा रहे हो।
तो इस चीज़ के ऊपर, मतलब कि इस गोल को फुलफ़िल करने के लिए आप जो एक्शन लोगे ना, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उस एक्शन को फ्रूटफुल वे में फिनिश होने की बात करता है। मतलब कि इस काम को आप बहुत अच्छी तरीके से अंजाम देने वाले हो, आपको जो भी चाहिए आप इस टाइम पर अचीव करते हुए दिख रहे हो। ये जो किंग ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं आपके इंटेलिजेंसी को दर्शा रहा है, आपके जो डिटर्मिनेशन है ना उसको दर्शा रहा है। इस टाइम पर आप अपने काम के ऊपर, आपको जो भी चाहिए उस चीज़ के ऊपर आप बहुत हद तक फोकस करने वाले हो एंड बहुत ज़्यादा शिद्दत से काम करने वाले हूँ, एंड जिसके दौरान आपको सक्सेस मिलने से तो कोई नहीं रोक सकता है, सक्सेस तो मिलकर रहेगा यहाँ पर, वो चाहे छोटे कुछ चीज़ें हो या फिर कोई बड़ा चीज़ें हो। एंड यहाँ पर नेक्स्ट जो मुझे दिख रही है मिड जुलाई के लिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड यहाँ पर द फूल हैं। फाइन, आप यहाँ पर इस नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को अच्छे से देख सकते हो। इस इंसान के पास ना वैसा कोई ख़तरनाक वेपन नहीं है एंड साथ में इस इंसान के पास कोई भी लंच वगैरह भी नहीं है आगे चलने के लिए, मतलब कि रिसोर्सेस इनके पास नहीं है एंड साथ में रस्ते के बारे में भी मालूम नहीं है कि ये घोड़ा इनको कहाँ तक ले जाएगा या फिर इस हॉर्स के पीठ पर बैठकर ये इंसान कहाँ जाना चाहता है। भविष्य के बारे में भी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा क्लैरिफिकेशन इस इंसान के पास नहीं है। फाइन, तो ये इंसान चल रहे हैं फिर भी, ओके? तो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपके लाइफ के यही चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि आप कुछ चीज़ों को लेकर ना कन्फ्यूज्ड हो, कुछ चीज़ों को लेकर श्योर नहीं हो, बट फिर भी आप चल रहे हो। वो हो सकता है लव लाइफ के साइड से, हो सकता है करियर के साइड से, किसी जगह पर इन्वेस्ट करने को आपका दिल चाह रहा है बट इन्वेस्टमेंट के बाद क्या होगा उसके बारे में आपको पता नहीं है कि अच्छा खासा रिजल्ट आएगा या फिर पैसा डूब जाएगा। आप लव लाइफ में हो सकता है कि किसी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी के लिए बहुत हद तक लॉयल होकर बैठे हो, ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, एकदम से ऑनेस्ट पर्सन होकर बैठे हो, बट आपको पता नहीं है कि आपके इस ऑनेस्टी का रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, उस तरफ से आपको इक्वली ट्रीटमेंट मिलेगा कि नहीं या फिर इक्वली प्यार आपको मिलेगा कि नहीं। फाइन, तो आप अपना काम कर रहे हो एंड इस टाइम पर आपको थोड़ा सा सचेतन रहने की भी ज़रूरत है क्योंकि आपके पास कोई भी वेपन नहीं है ऐसा जहाँ पर लोग आपको अटैक करने से आप उनको फिर से अटैक कर पाओ या फिर डिफेंस क्रिएट कर पाओ। तो आपको इस टाइम पर थोड़ा सा अपने सराउंडिंग्स को देख कर चलना है, समझ कर चलना है, किसी भी बात को ना ऐसे ईजीली लोगों से शेयर नहीं कर देना है या फिर आप कह सकते हो कि आपको थोड़ा सा सीक्रेटिव होने के लिए कहा जा रहा है। कार्ड्स कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं, फाइन, तो यही चीज़ मुझे मिड जुलाई के लिए दिख रही है। ओके, आप बहुत टाइम से एफर्ट डालते आ रहे हो एंड एफर्ट का फल कहीं ना कहीं आपको मिल नहीं रहा है, तो हो सकता है इस चीज़ के लिए ही यहाँ पर आप एक रिस्क उठाने वाले हो मिड जुलाई में। ये रिस्क आप किसी भी साइड से उठा सकते हो बट इस टाइम पर आप खुद को फिर से एक बार आजमा कर देखना चाहते हो कि इस तरफ से कोई भी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलता है कि नहीं। फाइन, आपने अभी तक जितने भी एफर्ट डाले हैं या फिर जितने भी कर्म किए हैं वो सब पानी में जाने से पहले आप फिर से एक बार और रिस्क लेकर देखना चाहते हो, एक बार और ट्राई करके देखना चाहते हो कि काम बनता है कि नहीं। ये एक चीज़ मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है एंड देखो यहाँ पर आप पूरी तरीके से डिवाइन के ऊपर सब कुछ सरेंडर करके ही ये रिस्क लेने वाले हो कि जो भी होगा डिवाइन देख लेंगे एंड यही चीज़ आपको अपने लाइफ में ना एक नया मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगा, लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग को आपको दिखा देगा। फाइन, सो कहीं ना कहीं आपके हार्डवर्क का रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है मुझे, सो नॉट टू वरी। आपके लाइफ में एक चेंज डेफिनेटली आप मिड जुलाई से नोटिस कर पाओगे एंड वो आपके लिए एक पॉजिटिव चेंज रहेगा। ओके, एंड एंड जुलाई के लिए, मतलब कि जुलाई एंड के लिए देख लेते हैं क्या बात है। सो यहाँ पर है फाइव ऑफ वांड्स एंड यहाँ पर है द स्टार। वाओ, फाइव ऑफ वांड्स के थ्रू दिख रही है मुझे कि जुलाई एंड होते होते आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स एक साथ काम कर सकते हैं एंड कुछ लोगों का तो दिख रही है एग्ज़ाम भी चलने वाला है, बहुत सारे लोगों के साथ हो सकता है आपको कंपटीशन करके कुछ चीज़ों को हासिल करना पड़े एंड अगर एग्ज़ाम का मामला नहीं है, अगर आप स्टूडेंट नहीं हो तो ऐसे में दिख रही है मुझे कि फिज़िकली किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है, झगड़ा वगैरह हो सकता है किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, किसी बात को मनवाने के लिए। हो सकता है कि सपोज़ मान लो कि आप बाहर जाना चाहते हो घूमने के लिए, तो ऐसे में, और हाँ डेफिनेटली द फूल कार्ड से मुझे ये भी दिख रही है एक ट्रैवलिंग का योग बन रही है मिड जुलाई में, तो इस टाइम पर आप किसी भी काम से बाहर जाने के लिए घर वालों से पूछ सकते हो बट आपके घर वाले मना कर सकते हैं, तो ऐसे में आप उन लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स में जुड़ सकते हो एंड इस आर्ग्यूमेंट्स में आप अकेला नहीं रहोगे, आपको सपोर्टिव पीपल्स भी मिल जाएंगे। फाइन, तो मैंने बस एक एग्जाम्पल दिया, कुछ भी हो सकता है बट इस टाइम पर आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चलने वाले हैं। देखो, आप इस टाइम पर जितने भी एनर्जीज लूज करोगे ना, वो चाहे सोच कर लूज करो मेंटली या फिर फिजिकली आप किसी से झगड़ा करके, आर्ग्यूमेंट्स करके, मारपीट करके, कुछ भी करके जो भी एनर्जीज लूज करोगे
करोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो एनर्जीज आपको ना वापस भी मिलते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं सक्सेस की भी बात करता है। आर्ग्यूमेंट्स के साथ साथ, लड़ाई झगड़े के कन्फ्लिक्ट एनर्जी के साथ साथ एक सक्सेस की भी बात करता है, मतलब कि कुछ चीज़ों को हासिल करने के लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ सकता है जुलाई एंड में। एंड यहाँ पर द स्टार का कार्ड ये बताता है कि ये चीज़ बहुत फ्रूटफुल तरीके से आपको मिल जाएगा। जिस तरफ से आप एकदम से होपलेस फील करोगे ना, मतलब कि स्टार का कार्ड यही होता है, एकदम से रात के अंधेरे में अचानक से आपको रोशनी दिख जाएगा, जहाँ पर आपको एकदम से लगेगा ना कि चलो हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, वहाँ पर आपको अचानक से एक आशा मिल जाएगा। आप समझ रहे हो, पूरी तरीके से एकदम से पासा पलटता हुआ आपको दिखाई देगा, जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, ये चीज़ आपको हासिल नहीं हो सकता, ये चीज़ आपको मिल नहीं सकता, ये चीज़ आपका नहीं है, तो वहाँ पर आपका विश अचानक से पूरा होता हुआ आपको दिखाई देगा। एक मिरेकल, एक सरप्राइजिंग सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होती हुई दिख रही है, आपका मैनिफेस्टेशन यहाँ पर पूरा होता हुआ दिख रहा है, कोई ड्रीम आपका पूरा होता हुआ दिख रहा है जुलाई एंड में। ओके, सो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। एंड अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ वाइज जुलाई महीना थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड रह सकता है, मतलब कि आपको थोड़ा बहुत अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना पड़ सकता है। आप अगर डेली शेड्यूल में हो, डाइट चार्ट फॉलो करते हो, या फिर जिम वगैरह में जाते हो, या फिर योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो उस चीज़ को ना टाइम टू टाइम किया करें, क्योंकि आपका शेड्यूल यहाँ पर बिगड़ा हुआ दिख रहा है, तो उस चीज़ को आप यहाँ पर सुधरते हुए दिख रहे हो, तो चीज़ें धीरे धीरे से ना बेहतर होता हुआ आपको दिखाई देगा। ऐसे कोई बहुत बड़ा हेल्थ इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा है, बाकी सब यहाँ पर सही है। देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं जुलाई महीने के लिए। प्लीज़ पॉजिटिव रहें। यहाँ पर है योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, डेफिनेटली। यहाँ पर आप देख सकते हो आपका जो भी विश है, आपका जो भी गोल है, आपने जो भी डिवाइन से मांगा है, उस चीज़ को ना डिवाइन टेस्ट कर रहे हैं कि वो चीज़ आपको दिया जाए या फिर नहीं, उस चीज़ के लिए आप काबिल हो या फिर नहीं, आप उस चीज़ को डिज़र्व करते हो या फिर नहीं, आप आधा सफ़र ही तय कर पाए हो। ओके, तो इस चीज़ के लिए कंग्रेचुलेशन, क्योंकि आधा सफ़र भी लोग तय नहीं कर पाते हैं, बहुत पहले ही गिव अप कर देते हैं। तो आपको इस टाइम पर किसी भी हालत में अपने गोल के ऊपर, अपने टारगेट के ऊपर गिव अप नहीं करना है, आपको जो चाहिए उस चीज़ के ऊपर डटे रहे, कड़ी मेहनत करते रहे, वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, क्योंकि डिवाइन तक आपका ये विश पहुँच चुका है। ओके, सो यस। एंड यहाँ पर है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, डेफिनेटली। आपके मन में जो भी क्वेश्चंस हैं, आपके मन में जो भी प्रश्न हैं, या फिर जो भी डाउट हैं, जो भी क्या बताऊँ, टेंशन हेडेक काम कर रहा है, किसी को लेकर अगर हेजीनेस भी है, लव लाइफ को लेकर अगर कुछ परेशानी भी है आपके दिमाग में, ओके, जिस चीज़ का धुंधलापन आप जस्ट हटा नहीं पा रहे हो अपने दिमाग से, तो हर एक चीज़ का क्लैरिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है जुलाई महीने में। तो आप पूरी तरीके से ना क्लियर होते हुए दिख रहे हो अपने लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने लव लाइफ को लेकर, आगे तक आपको कहाँ पर जाना है, क्या करना है उस चीज़ को लेकर, फाइन। तो यस, सो आपको एकदम से पॉजिटिव रहकर आगे का सफ़र तय करना है। सो जुलाई महीना ओवरऑल एवरेजली मुझे पॉजिटिव दिख रही है आपके लिए। सो थैंक यू एक्वेरियस, थैंक्स फॉर वॉचिंग रीडिंग को एंड तक देखने के लिए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बाय।